कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साल की आखिरी पूर्णिमा माघ शेष पूर्णिमा पर जो विशेष उपाय करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और आने वाले साल को आप खुशहाली वाला, सुख समृद्धि वाला बना सकते हैं, वो विशेष उपाय आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये उपाय बता रहे हैं और एक दो वीडियोज और भी हमने अलग अलग उपायों से संबंधित चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है और आप लोगों को इंटरेस्ट है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय व्यक्ति के जीवन से संबंधित अलग अलग समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अलग अलग करके ही ये वीडियोज आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो दोस्तों, माघ शेष पूर्णिमा के दिन जप तप व दान का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है। बताया जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्य का फल बाकी सभी पूर्णिमा के मुकाबले 32 गुना ज्यादा व्यक्ति को मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, गुड़, घी, फल, अन्न इत्यादि जो भी आपसे बन सके, अन्न, वस्त्र, धन, इन सब चीजों का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सब महीनों में मैं माघ शीष का महीना हूँ। तो दोस्तों, इस माघ शीष महीने का वैसे ही इतना बड़ा महत्व होता है और इस पूर्णिमा की जो महत्ता है वो तो हमारी वाणी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं और सब कुछ पा करके अंत में मोक्ष की भी कामना रखते हैं तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप श्रद्धा भाव से थोड़ा सा भी दान करते हैं तो वो आपके सभी पापों को नष्ट कर देता है और आपकी आत्मा पावन हो जाती है, आपकी मोक्ष प्राप्ति की राह खुल जाती है। दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, सभी संकटों से मुक्ति पाने का रामबाण उपाय। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन इन तीनों का पावन पाठ करने की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और उसके परिवार में, कुटुंब में प्रेम भाव बना रहता है, घर के सदस्यों के बीच मन मुटाव नहीं रहता है, गृह क्लेश उसका खत्म हो जाता है और साथ ही घर में या फिर आपके आसपास में मौजूद जो नकारात्मक शक्ति है वो खत्म हो जाती है और एक बहुत ही उच्च कोटि की जो सकारात्मकता होती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके आसपास में होने लगता है। तो दोस्तों, भगवान के किसी भी स्तोत्र का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है आप मधुरा अष्टक का पाठ श्रवण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं विष्णु सहस्र नाम और हो सके तो भगवत गीता के किसी एक अध्याय का पाठ आप अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, अब उपाय हम आपको बता रहे हैं धन संबंधी समस्या से मुक्ति पाने के लिए। आपके जीवन में पैसे से जुड़ी कोई भी तंगी है, किल्लत है, परेशानी है तो वो इस उपाय के द्वारा आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी की तिथि कही जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने से और खीर का भोग उनको लगाने से माता का आशीर्वाद व्यक्ति विशेष रूप से पा सकता है। पूर्णिमा के दिन सुबह शाम कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और पुराणों के अनुसार श्रद्धा के साथ कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को उसके जीवन की धन संबंधी हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव हो, तंगी हो, वो उसकी दूर होने लगेगी। और दोस्तों, जो ये कनक धारा स्तोत्र है, ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और इसका पाठ करने से उन्होंने माता रानी की कृपा से सोने की बारिश करवाई थी, तभी से इसे कनक धारा स्तोत्र कहा जाता है, सोने की वर्षा करने वाला स्तोत्र। तो दोस्तों, माता महालक्ष्मी का आप महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, अगर हो सके तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों,
दोस्तों एक अंतिम उपाय और हम आपको बता रहे हैं नौकरी या फिर आपके बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने की पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करना बहुत उत्तम फलदायी कहा गया है। सुबह तुलसी को जल देने के बाद उसकी जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से व्यक्ति के भाग्य की वृद्धि होती है। और दोस्तों साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और माता तुलसी को सुहाग का समान अगर आप भेंट कर देते हैं तो आपकी मन चाही मुराद अवश्य पूरी होती है। और दोस्तों जो भी आप सामग्री तुलसी माता के अर्पण करेंगे, जो भी उनको सुहाग का समान चढ़ाते हैं या जो भी उनको भोग आप अर्पण करते हैं तो इस चढ़ाए हुए सामान को किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को दान में दे देना चाहिए। इस उपाय को करने से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में उन्नति होने लगेगी और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी प्रमोशन के योग बनेंगे और अगर आपकी कोई प्राइवेट नौकरी भी है तो भी दोस्तों आपकी नौकरी में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्रमोशन हो सकती है और जीवन के हर कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों तुलसी माता के पास जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो बस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, दीपक को डायरेक्ट जमीन पर आपको नहीं रखना है। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो सबसे पहले तो आपको दीपो ज्योति परम ब्रह्म ये वाला मंत्र आपको बोलना है। चैनल पर वीडियो हमने इसकी अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। और दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए ये पूरी विधि भी हमने सही से उसमें बताई हुई है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अभी हम आपको बता भी देते हैं कि जब आप दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे तो सबसे पहले जहाँ पर आपको दीपक रखना है थोड़ा सा जल के छींटे दे करके उस जमीन को आप शुद्ध कर लीजिएगा। घर के मंदिर में भी अगर आप दीपक को रखते हैं तो इसी प्रकार से कीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हल्दी से या कुमकुम से या चंदन से वहां पर स्वास्तिक आप बना लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़े से पुष्प और अक्षत रखते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए दीप को प्रज्वलित करने वाला मंत्र भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दीप को प्रज्वलित करके यहाँ पर रखना चाहिए। ये एक ऐसी विधि हम आपको बता रहे हैं दोस्तों जिससे आपको पूरा 100% मन चाह फल मिलता है, क्योंकि अगर कार्य आप करते भी हैं और सही विधि से नहीं करते हैं तो फिर आपकी शिकायत जो होती है कि हमारा काम नहीं बनता है, हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो नाजायज सी शिकायत होती है क्योंकि आपने काम को एक अच्छी विधि से प्रॉपर तरीके से तो किया ही नहीं है, तो फिर दोस्तों फल आपको कैसे मिल सकेगा। ओके दोस्तों, तो अपने जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे पूजा करते हैं, चाहे आप और कोई कार्य करते हैं, तो आप उसको हमेशा श्रद्धा से, निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची भावना के साथ कीजिएगा। और पूजा संबंधी धार्मिक कार्यों में तो विशेष रूप से आपकी श्रद्धा ही बलवती होती है। कहा भी गया है कि जैसी श्रद्धा वैसा फल, तो दोस्तों श्रद्धा से विश्वास के साथ आप उपाय को कीजिएगा, आपके जीवन की नैया भगवती माता की कृपा से अवश्य ही पार होगी और आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों भगवान और भगवती माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।